ये ऑडियो अभी आप ही लोगों के द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है, और इस ऑडियो को हम लोग इसको डिजिटली एनालिसिस कर लेते हैं कि किसका है और किस टाइम पे भेजा गया है, क्या नंबर से भेजा गया है। अगर इस प्रकार की कोई भी चीज़ होगी पैसे की मांग के लिए, अगर मुकदमे में उसको ख़त्म करने के लिए, तो हम उसमें जो विधिवत जाँच करा के अगर सही पाया जाएगा तो उस पर एक्शन भी लिया जाएगा। रामानंद शर्मा, हम बर्राठ डी ब्लॉक थाने के पीछे रहते, गुजैनी थाने। क्या मांग रहे हैं? ये जो पैसा मांग रहे हैं, गुजैनी चौकी इंचार्ज राजेश वाजपेयी जी हैं। इन्होंने एक फर्जी मुकदमा हमारे बच्चों के खिलाफ लिखा गया था, जो जांच इनको दी गई थी। इंस्पेक्टर साहब ने भी कहा था कि मुकदमा फर्जी, इसको स्पंज कर देना। चौवालीस बटा बाईस है। इंस्पेक्टर साहब ने भी कहा था स्पंज कर देना। डीसीपी साउद ने भी कहा था कि स्पंज कर देना, ये फर्जी है। और हमारे, मैंने शपथ पत्र घटनास्थल से हमसे लिए, वो भी हटा दिए। फुटेज था सीसी कैमरे का, वो भी हटा दिया। और सीओ पेशकार के नाम पे हमसे पैसे मांगते रहे। अच्छा, कौन मांग रहा था? राजेश वाजपेयी जी। कितने पैसे मांगे आपसे? हमसे 29,000 रुपये ले चुके हैं। 4,000 तो इन्होंने उस दिन लिए जिस दिन बर्रा थाने में टेंट लगा था, थाने पे बुला के मांगे सीओ के पेशकार के नाम पे। कह रहे दे दीजिए, नहीं तो जो हम FIR लगा के भेज रहे हैं ये वापस आ जाएगी। हमको आश्वासन देते रहे कि हमने FIR लगा के 182 कार्रवाई की, लेकिन उन्होंने फर्जी चार्जशीट उसमें लगा दी। कोर्ट के नाम पे, जज साहब के नाम पे पैसे मांग रहे थे, कोर्ट में देना है। कोर्ट के नाम पे भी, पेशकार के नाम पे मांगते थे, सीओ पेशकार के नाम पे भी पैसा मांगते रहे। अभी तक आप कितना पैसे दे चुके हैं? अभी तक ये करीब करीब लगभग हमसे 70-80 हज़ार रुपए ले चुके हैं।